नमस्ते। जसपा के नेता अध्यक्ष उपेंद्र यादव कहलखिन जे युवा सब खास कक साँझ पड़िते सड़क नाप लगै छथि, अर्थात मदिरा पान कक लड़बड़ा लड़बा कऽ घड़बड़ा कऽ चलै छथि, अर्थात ओहि हिसाबसँ छथि। अर्थात कतौ नहि कतौ जे विकृति सब आबि रहल छै शिक्षा क्षेत्रके समग्र रूपसँ, ओहिपर हुनकर या युवा सब जाहि रूपसँ ओहि शिक्षा क्षेत्रमे पढ़ि कऽ नहि कि कुलत दिस अग्रसर भऽ रहल छथि, ताहिपर हुनकर एकटा व्यङ्ग रहै। मुदा अखन प्रदेश नम्बर 2 ई स्थानीय जनकपुर धाम, एहि सबमे ओही पार्टीके सरकार छै, अर्थात जसपाके सरकार छै, आओर शिक्षाके अवस्था कोन रूपसँ छै या कोन रूपसँ अग्रसर भऽ रहल छै एकर प्रत्यक्ष उदाहरण छै ई जनकपुरके सरस्वती हाई इसकुल। कोनो समयमे एहि इसकुलसँ डॉक्टर रामवरण यादव जे राष्ट्रपति रहथि, सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठ जे राष्ट्र बैंकके गवर्नर रहि चुकल छथि, अखनके मंत्री अर्थात अखन प्रधानमंत्रीमे प्रधानमंत्री कार्यालयमे मंत्री रहल आओर वर्तमान सरकारमे पावरफुल मंत्री ईश्वर पोखरेल, ई सब एहि इसकुलसँ पढ़ने छथि। मुदा ई इसकुलके अवस्था ई भऽ गेल छै जे आइ हक्कन रोल कानि रहल छै इसकुल। ई अवस्था छै इसकुलके शिक्षा, समग्र शिक्षा तराईके शिक्षा अवस्थाके ई व्यथा कहि रहल छै। केवल ई कोनो इसकुल एकटा जे छलै इसकुल केवल धराशायी भऽ गेलै, ई अवस्था नहि छै। ई समग्र शिक्षा व्यवस्थाके मधेशके प्रदेश नम्बर 2 शिक्षा अवस्थाके लथा लिङ्गके अवस्था देखाबि रहल छै। आइ हमसब एहि विषयपर केन्द्रित भऽ कऽ बात करब। 2004 सालमे स्थापना भेल रहै एहि इसकुलके, जे इसकुल प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमे महत्वपूर्ण योगदान देने रहथि, आइ इसकुल किया धराशायी भऽ गेलै, ई अवस्थामे किया पहुँच गेलै जे इसकुलमे विद्यार्थी नहि छै, जे सरकार कहि रहल छै जे मुख्यमंत्री प्रदेश नम्बर 2 मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान चला रहल छथिन, एहि इसकुलमे नीक शौचालय नहि छै, कोना विद्यार्थी पढ़तै। ई तमाम विषयपर आइ हमसब अपने सबके देखायब। की नाम हो? अजय। अजय कथी? अजय मंडल। कते क्लास में पढ़े छी? 2 क्लास में। कै बजे अबै छी स्कूल पढ़े ला? 9 बजे। 9 बजे पढ़ाई होय छै कि 10 बजे से? 10 बजे से। कथी कथी पढ़े छी? आ एग्जाम है ना, तैला थी नेपाली के एग्जाम छलिया। ए त नेपाली में कथी कथी पूछने छलो? क्वेश्चन आंसर कथी सब, कोन स्कूल कोनो कविता हो तो पूछने, कथा हो तो पूछने, की पूछने छलो? खूब नीक जगह पढ़ै छी। बाबू की करै छौ तोहर? हमर बाबा बाबू 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 पापा पापा अथी विदेश गेल है। विदेश गेल हो? एहिठाम अपने घर हो कि भाड़ा में रहै छी? अपने घर है। सब दिन अवश्य पढ़ल ठीक छ।
हमरा सबके बीच में सरस्वती स्कूल के प्रधानाध्यापक सत्यनारायण मंडल छथि। मंडल सर सबसे तो पहले स्वागत। अपने हो के स्वागत है। एक तो बात कहल जाए सर, इतनी गरिमा एकर सरस्वती स्कूल के, सबसे तो प्रजातांत्रिक आंदोलन के भी एकर बहुत बड़का योगदान, जे प्रजातांत्रिक आंदोलन जते भेले एहिठाम से एक प्रकार से शुरुआत हुए। दोसर अ देश में अहाँ के प्रथम राष्ट्रपति अहिठाम पढ़ल व्यक्ति भेलखिन, गवर्नर सब तमाम तमाम जे राष्ट्रीय व्यक्तित्व सब अ स्कूल के पढ़ल। ये अवस्था क्या चलल है स्कूल के, धराशायी क्या भ गेल? धराशायी में क्या टा फैक्टर सब छे? पहिल फैक्टर भ गेल प्राइवेट स्कूल सब के सरकारी के जे सरकार के मान्यता देलक, तो वार्ड में लगभग प्राइवेट स्कूल ज्यादा भ गेला से विद्यार्थी के संख्या में ह्रास आबि गेलै। सब विद्यार्थी सब वही ठाम पहुँच रहे, तो एहिठाम निम्न परिवार, दलित परिवार के, साधारण परिवार सबके बच्चा सबके एहिठाम उपस्थिति देखा। अखन कते विद्यार्थी छै? 885 विद्यार्थी जम्मा 1 से 12 तक में। 12 क्लास 1 से लेकर अखन 12 तक के क्लास होइ छै, ओहिमे अहाँके 885 विद्यार्थी छै। जेना अपने के सरकारी स्कूल के चर्चा करिए ने, विभिन्न जगह पर सरकारी स्कूल अखन एकटा नीक कऽ रहल छै, इहे स्कूल किया एना धराशायी भऽ गेल? या स्कूल धराशायी होइ के कारण कि सबसे पहले एकर भौतिक संरचना जे छै ने ओ पुरान भेला के कारण से जीर्ण भऽ गेल। आकर्षण जो होबक चाहिए आउटलुकिंग सेहो एहिठाम कम देखाइए। अर्थात मतलब विद्यार्थी ताने के एकटा माध्यम आउटलुक सेहो छै? आउटलुक सेहो हमरा विचार में। और दोसर कारण भऽ गेल राजनीति परिवेश सेहो एहिठाम माने सरकारी स्कूल सब में प्रवेश कयल छै, तऽ विभिन्न पार्टी के बैनर सब छनि ओ सब जे छथि से ओहो सब जे छथि से एहिमे रहलथि। कुछ मतलब विद्यालय में राजनीति दृष्टिकोण से पेशागत हक हित के लेल इहो सब छै, तऽ इहो सब कारण एकटा हमरा देखाइए जे कि राजनीतिको कारण एहिमे किछु छै। फोन उठा लेल जाए सर, कनी डिस्टर्ब कर। अखन शिक्षा के सुधारक के हिसाब से स्थानीय तह के जिम्मेवारी देल गेल छै जे शिक्षा स्थानीय तह सुधारतै, की छै सुधारक के अवस्था? किएक तऽ आब जते लगानी तकर बाद 3-4 सरकार क्रियाशील भऽ गेल छै, ईसब एहिमे ध्यान दऽ रहल छै कि नहि, कि बस वएह अवस्था छै जे पुरान छलै? शुरुआती जे स्थानीय निकाय के जे भेल से बढ़िआँ रहल, ओहिके बाद किछु दिनक बाद जे ओकर धीरे धीरे गति कम भऽ गेल, विद्यालयमे आवागमन अनुगमन के सेहो कमी भऽ गेल। ओ सब अगर अनुगमन करथिन तऽ हमरा बुझाइए विद्यालय बहुत सुधार हेतै। रामवरण जी सेहो आयल रहथि है ना 2-3 बेर, जहिया ई अवस्था रहै हुनका दिससँ अगर प्रयास होइतै तऽ अपने सबके हिसाबसँ तऽ भऽ सकै छलै नीक? उपरका मथिलो प्रयास हुए तहन तऽ नीक हेबे करतै, लेकिन सबसँ बड़का बात प्रयास के साथ साथ अनुगमन के जरूरत छै। जै पक्ष के अनुगमन, भौतिक पक्ष के अनुगमन होइ या आर्थिक पक्ष के अनुगमन होइ या शैक्षिक पक्ष के अनुगमन होइ, अनुगमन भेलासँ की हेतै कि हमहूँ सब मानि लिअ स्वतंत्र रूप से जे काम करै छी तऽ कतौ ने कतौ अंकुश रहतै, ताकि हमहूँ सब सुधार में किछु आओर सक्रिय रहबै। सक्रिय तऽ रहिते छी, लेकिन ओहिमे आओर प्रभावकारी हेतै से हमरा ई बुझना जाइए। जरा पूरा संरचना के पूरा जीर्ण भ गेल छै, पुरान जे संरचना छलै ओ पूरा जीर्ण छै, देवाल सब पूरा टूटि गेल छै, ई अवस्था छै अहाँके। एहिठाम कैंपस चलै छलै ओहो अखन करीब करीब बंद छै, तऽ ई सब हो भेला के बाद में देखाई की दऽ रहल छै समग्र में, जे की तऽ सरकारे जिम्मेवार नहि छै सरकारी विद्यालय चलाबऽ के लेल, जे एते गरिमा बचल मतलब जो अपन रहल विद्यालय आइ धराशायी भ गेल छै, या अपने सब अत्यधिक राजनीति के लिए जेके कारण से धराशायी भ गेलै? नहि, धराशायी होइ के कारण जे सरकार के जे जिम्मेवारी छै ओहो जिम्मेवारी कानून कागज में तो बनै छै, बहुत बढ़िया बनै छै, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भ जाइ छै, वएह कारण सेहो छै। आ हमसब माने राजनीति केलहुँ तऽ राजनीति में हमसब नहि जाइ छी, हमसब पूर्ण पेशागत रूप में डिवोटेड रहलहुँ। 10 से 4 बजे तक जे सरकार जिम्मेवारी देने छथि ओहिमे कतौ नहि रहलहुँ। हाँ, हमर साथी सब किछु रहै छथि ओहिमे कोनो बात नहि, लेकिन एना छै ने सर, जेना अपने के अगर संघ संगठन के बात कयल जाए तऽ जते संघ संगठन छलै जे टीचर के या शिक्षक के क्रियाशील, ओहि के जे उच्च पदाधिकारी उच्च ओहदा में पहुँचल भी अ स्कूल के टीचर, हुनका सबके प्रयास नहि भेलै कि विद्यालय सुधारके?
हुनका सबके प्रयास हमर विचार में प्रयास भेले, लेकिन अब कहाँ वो सब निष्क्रिय भ गेला, अचूक गेला, अचूक गेला। हाँ, वो हमरो समझ से बाहर देखे, लेकिन प्रयास तो वो सब केने रहथिन। तो वो सब पेशागत हक हित के लेल मात्रे प्रयास केलखिन कि भौतिक संरचना के लेल केलखिन कि, तो हुनका सबसे समय समय पर बातचीत हुई है। ओ समय में तो वो सब कहते कि हम सर्वांगीण विकास के लेल हम सब प्रयासरत छी, आब कतौ ने कतौ गवर्नमेंटे अस्थायी तो नहीं रहे छे, तो भाषक के कार्यान्वयन पक्ष तो हो सक। स्कूल के जे SLC परीक्षा होइ छै, SEE कहै छै अखन, ओकर अवस्था, ओकर रिजल्ट के अवस्था की छै? हमरा विद्यालय के तऽ बढ़िया अवस्था अछि, माने जे हमर इतिहास के तेहन तऽ नहि अछि, लेकिन संतोषजनक अछि, किया तऽ अखनो हमर विद्यार्थी माने A+ ग्रेड में 5-7 हरेक वर्ष रहैया, आ जमा जमी करीब करीब 95% विद्यार्थी निम्ने रिजल्ट रहै छै, 2-5% के रिजल्ट जे छै से ओकर जे है से D+ तक सेहो गेल छै। एकटा बात कहल जाए तऽ सर, जेना पहिने अपने सबके सेक्शन छुटिया कऽ सेक्शन में अहाँके कतौ CC सेक्शन तक पढ़ाइ होइ, अखन एकटा सेक्शन या एकटा क्लास में विद्यार्थी के जते सरकार मापदंड टोकने छै ओते तक पहुँचनाइ सरकारी इसकुल में कठिन भऽ रहल छै, कहिया से ही अवस्था अलै खास कर के सरस्वती स्कूल के संदर्भ जोड़ के बात करी? हाँ, तो सरस्वती स्कूल में पहले 4 सेक्शन, हमू सब जहिया स्कूल में प्रवेश कलूँ तो 4 सेक्शन चले, लेकिन हाल 2 सेक्शन में चल रहा है, माने 2-10 में, 2-9 में, 2-8 में, 2-8-9-10 में 2-2 सेक्शन हमरा सब के है, लेकिन ई हाल अहाँ के 63-62-63 के बाद ही सब बासठ तिरसठ अपने के मधेश आंदोलन भेले, 62-63 देश में एक अमूल परिवर्तन क गणतांत्रिक अवस्था में लल, तो 62-63 तो परिवर्तन के वर्ष रहे, जे जरा परिवर्तन कहे जे देशे में अमूल परिवर्तन रहे, तो शिक्षा क्षेत्र के आधारशाही भगे, विद्यार्थी सबके संख्या जे है से घटित देखल गए, पलायन भेले बहुत विद्यार्थी अठाम से, जनकपुर में नहीं रह के बाहर गेल, ई हमरा जनित बुझाइए जे कि वो सब छे पलायन भेल छे एठाम से विद्यार्थी सब, जेना पहाड़ी समुदाय सब हमरा सब के समाज में रहे ते समय के विद्यालय अखनी के विद्यालय में बहुते फर्क देखाइए, ओ समय में विभिन्न मिक्स्ड फैमिली के बच्चा सब एठाम पढ़ते रहे, ते के देखा देखी में हरेक वर्ग के विद्यार्थी रहे, लेकिन अखनी जब खोजबे हमरा रिकॉर्ड अनुसार तो अहाँ के अधिकतम जे है से दलित परिवार के बच्चा एठाम भेटे छे, गरीब परिवार के बच्चा भेटे छे, नीमन परिवार के फैमिली के बच्चा एठाम 1% होत से हमरा बुझना जाइए, हरेक स्कूल में, हरेक सरकारी स्कूल में यह अवस्था छे, हरेक सरकारी स्कूल में यह अवस्था छे, किया तो हम विभिन्न स्कूल में अपन साथी भाई सब से पूछते रहे, तो कल हमरो सब के यह अवस्था है सर, से विद्यार्थी जो प्राइमरी सेक्शन एठाम खास कर डाउन भेले है, लेकिन ऊपर का क्लास 6 से ऊपर विद्यार्थी संख्या नहीं घटले है, 5-10 कहियो बढ़ले कहियो 5-10 घटले, लेकिन घटले है नहीं, माने यह से अवस्था। सरकार दिस से खास कर के प्रदेश सरकार छे विभिन्न जगह अखन लगानी लाग रहल छे, प्रदेश सरकार के लगानी लगा रहल छथिन शिक्षा के गुणस्तरीयता बढ़ावे के हिसाब से, अपने सबके स्कूल में हुनकर की लगानी? प्रदेश से हमरा सबक स्कूल में लगानी अखन तो नहीं भेल, लेकिन विगत वर्ष में साइकिल वितरण भेल छले, 8 क्लास के विद्यार्थी के 62 विद्यार्थी के साइकिल वितरण भेल छले, प्रदेश के कानून मंत्री जे छथि एठाम कै बेर प्रोग्राम देलखिन, अलथ अनुगमनों में अलथ है, तो ऊ छथि 2-3 आश्वासन देने कि हम एठाम साइकिल स्टैंड बनवा देव, विद्यार्थी सबके टॉयलेट के व्यवस्थापन कर दे बढ़िया से, पानी खाने पानी सबके, टॉयलेट नहीं है विद्यालय स्कूल में, टॉयलेट है लेकिन पुरान है, आधुनिक टॉयलेट नहीं है, मतलब जे पहिने छले अहाँ के जना अपने सब 72 साल में ये पुरान बिल्डिंग छोड़ दिलिए, लेकिन टॉयलेट अखनो धरुआ है जी, वह टॉयलेट वह है, वही में कोनो परिवर्तन नहीं भेल, जे के कारण से अभी तक बहुत जगह रासे अध्ययन प्रतिवेदन ही देखबै छै जे टॉयलेट दुरुस्त नहीं भेला के कारण से सरकारी स्कूल में खास कर के बाल बच्चा या बालिका जे होइ छै वो नहीं जाय चाहै छै जी, यथार्थ बात छै, एठाम जे छै टॉयलेट छै लेकिन हम सब किछु मरम्मत संभार कर के ओकर एकटा ढंगर तो नहीं, लेकिन तैयो हम सब एकटा बना के रखने छी टॉयलेट,
लेकिन सुव्यवस्थित नहीं है। अपने सब जना प्रदेश सरकार के सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत पड़े है ना, हुनकर लगानी बहुत जगह भरल से विद्यालय के शिक्षा क्षेत्र के सुधार कर के लिए, एक मतलब अपने सबके हिसाब से साइकिल बाहेक में कोनो स्कूल में एते बड़का स्कूल या एते इतिहास बोक इतिहास बोकने स्कूल में कोनो प्रकार के प्रदेश सरकार के लगानी नहीं? अखनी नहीं, अखन धरि नहीं है, एक साइकिल वितरण भेल छे मात्रे, और कोनो लगानी नहीं प्रदेश सरकार की। अपने सब प्रयास नहीं के लिए कि एक तो बहुत रास है तो अही स्कूल के विद्यार्थी सब जे अहाँ अखन उच्च ओहदा में पहुँचल सकते, अपने सब प्रयास नहीं के लिए कि नहीं प्रयास हम के लिए बराबर तीन बेर हम मंत्रालयों गेलों प्रदेश मंत्रालय में, ओहिठाम से पॉजिटिवे आयल, आश्वासन तो पॉजिटिवे भेटल, लेकिन अखन धरि कोनो ओकर नहीं सकारात्मक कार्यान्वयन पक्ष में नहीं आयल। कते अपने सब टीचर छे अखन? अखन हम सब 26 टीचर छी, 26 सब विषय माध्यमिक में 11, निम्न माध्यमिक के 6 जना, 8 जना प्राथमिक में, एकटा बाल विकास। सबसे तो पहले जना जना अखर अगर पढ़ाई के बात कल जाए ना, पढ़ाई के तो पढ़ाई के हिसाब से जे पहले के अवस्था जे छले उसमें अहाँ के एक तो धराशायी के अवस्था में भग ले, दोसर अपने जना प्रदेश सरकार के लगानी साइकिल में भेले, तई के बाद वो साइकिल प्राप्त व्यक्ति सब के संख्या अखन मतलब जे अपने कहली उसके बाद वो कंटिन्यूटी विद्यालय में कते रह गए? कंटिन्यूटी है, साइकिल तो नहीं देख रहा है अपने स्कूल में, विद्यार्थी सब लग के नहीं आब रहा है साइकिल, लड़की सब जे है से नहीं लग के आब रहा है, लेकिन अबे छल गर्मी के महीना में, जाड़ महीना में भाग सकते नहीं अबे है, लेकिन गर्मी महीना में अबे छल किस दिन से नहीं देखा में आब रहा है। एक टा बात और कहल जाए अंत में, यदि सरकार के दिस से या राज्य के दिस से यदि स्कूल के गरिमा एक टा तो उच्च है ना, अपने सबके सो गर्व लगे था जे स्कूल के विद्यार्थी सब अपने सबके पढ़ायल विद्यार्थी सब बहुत राज्य के उच्च ओहदा में पहुँचल, अई स्कूल के गरिमा के पुनः स्थापित करे के लिए की प्रयास करे पड़े? प्रयास समाज के कुछ एहि पर जागरूकता हम देखब पड़ते, एक दोसर जे हमर सरकारी निकाय के से जागरूकता देखब पड़ते, पूर्व विद्यार्थी सबके एहिठाम जे है सेहो ध्यान देबऽ पड़तै, ओहिपर हम प्रयासो केलहुँ विभिन्न ठाम से, पूर्व विद्यार्थी सब किछु एहिपर इंटरेस्टो लेने छथिन, आब कहाँ तक जे लऽ रहल छथि कतेक जल्दी ओ सब कहने छथि जे कि हमसब बहुत हम ईमेल मार्फत द्वारा सेहो कार्यक्रम विभिन्न ठाम में दऽ रहल छियनि, आ ओहो सब एक्टिव छथि, आब सब सब ठाम छथि, आब कोनो टेक्निकल कारण से हुनका सबके सुविधा नहि भेट रहल छनि कि लेकिन ओ सब चिंतित छथि। अर्थात एकरा एना बुझल जाए ना, जना सरकारी एकटा नीति अगर सरकारी स्कूल के नजदीक में, सरकारी स्कूल के नजदीक में अगर दोसर स्कूल खुल जाए छे या निजी स्कूल के मान्यता दै छे, ओकर ठक्क प्रभाव अई सरकारी स्कूल पर पड़े? जी एकदम ठीक कहलहुँ अपने, इएह प्रभाव पड़ रहल छै। आब निजी विद्यालय के जेठाम स्वीकृति भेट गेल छै ओ सब विभिन्न बहाना में जे है से एहिठामक सरकारी में नहीं जाए, गार्जियन लग जाकर चाहे डोर टू डोर जाकर विद्यार्थी के कोशिश कर रहल छै कि हमरा विद्यालय में पढ़ा, तै के तहत की छै सरकारी स्कूल तरफ झुकाव कम देखे छी हमसब। जी कि पढ़ाई के स्तरीयता नहीं छै या पढ़ाई के गुणस्तरीयता खसि गेल छै सरकारी स्कूल में, जे के कारण से अभिभावक सब जाकर निजी स्कूल में जा रहल छै? नहीं ई हमरा नहीं बुझना चाहिए, किया तो हमरा सबके जे सरकारी स्कूल में जतेक शिक्षक छथि तालीम प्राप्त छथि आ लगभग लगभग सब पढ़न पाठन में सब पारंगत छथि, हुनका सब लग कतक की छनि दिक्कत कि हमरा सब लग जे विद्यार्थी अबै छथि तो ओ विद्यार्थी सबके हम सब जे छै जे उपयुक्त वातावरण नहीं दऽ रहल छी, ओहिमे कोशिश में लागल छी कि उपयुक्त वातावरण भेटे। वो तो अपने के नितान्त कोशिश से मात्र संभव नहीं छै, राज्य के सेहो कोशिश करे पड़ल। हाँ राज्य के कोशिश बहुत कम छै, फितलो देखाइ छै, ताहि दुआरे राज्य के यदि कोशिश होय आ जे लगानी छै शिक्षा में सरकार के ओहि लगानी के तहत जे छै अगर होय तऽ सरकारिये विद्यालय जे छै से उपयुक्त ठानते लोक, ई विश्वास नहि भऽ रहल छै समाज में। के अपने सबके हिसाब से राज्य के उच्च ओहदा में पहुँचल व्यक्ति के, एक तो रामवरण जी, तक सत्येंद्र प्यारा श्रेष्ठ जी गवर्नर रह चुकल छै, के एहन उच्च ओहदा में पहुँचल? हमरा जन तखन जे रक्षा मंत्री उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल सेहो छथि, सुरेश राज शर्मा छलथि पूर्व VC, आओर सब जे छथि अपने के
और सब व्यक्ति सब छथि, हमरा सबके नाम याद नहीं है, लेकिन मुख्य विमलेन निधि छथि, उपसभापति छथि अखनी, ओहो ही विद्यालय के प्रोडक्ट छथि, आ ओहो ओहदा पर हुनका आबै छथि त बराबर कहलनि कि एक बेर नजर देख देल जाय स्कूल के। जे पढ़ि कऽ गेलथि ओ गुण तीर के अवस्था मे नहि छथिन, हुनका कार्य व्यस्तता के कारण से यकीन कोन व्यवस्था छनि एहिमे हम नहि कहि सकै, लेकिन हमरा बुझाय कार्य व्यस्तता के कारण, लेकिन जानकारी हुनका छनि हुनका सब जे स्कूल आई अवस्था में पहुंच गेल छे, जी जानकारी छे, धाराशाही स्कूल भ गेल छे, जे स्कूल में हम पढ़ली जे स्कूल हमरा गुण देलक ओ स्कूल धाराशाही भ गेल छे, से हुनका सब जानकारी छनि हुनका सब के। अब हुनका सब के हम सब बराबर विभिन्न माध्यम से जानकारी दैतो रहै छियनि जे कि विद्यालय के एक नजर देखल जाय, भौतिक संरचना के पहले फिटफाट कयल जाय, और सब शैक्षिक जगत के लेल तो हम सब छेबे करी, लेकिन हमरा सब के भौतिक संरचना नहीं काम चलबै छी कोनाहितो, लेकिन वह भौतिक संरचना में बहुत रास लगानी के जरूरत छे, तो लगानी विद्यालय ले कोनो रंग के आमदनी छै नहीं, तो ओहि तहत जैसे हम सब जैसे जेन तेन प्रकारेण धानि रहल छी, ई बात है। हमसब सरस्वती स्कूल में आयल छी, और हमरा सबके ई सरस्वती स्कूल जे वार्ड में पड़े छै, वार्ड के वाड़ा अध्यक्ष छथि परमेश्वर शाह सर, तो सबसे पहिने स्वागत, धन्यवाद अपने के। इति स्कूल के गरिमा छै, इतिहास छै, स्कूल आइ अहाँ के हक्कन कानि रहल छै, किए एहन अवस्था अलै? देखियौ, वास्तविकता बात, अहाँ ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ल रहल छी, स्कूल के अवस्था जे जँ पिछ देखबै तऽ वास्तव में दर्दनाक छै, और अइये स्कूल में प्रवेश होइ छै तऽ आँखि में से आँसू अबैत रहै छै, जे काल्हि के जे स्कूल रहै आ आइ हम सब जे देखै छियै तऽ वास्तव में आँखि में आँसू अबै छै, ई की भेलै तऽ कैला एना भेलै तऽ अपने के ग्राउंड जीरो में आबि के ई बात मान लिअ अपने पूछि रहल छी। वास्तव में अखिनता के अवस्था में सरस्वती नमूना माध्यमिक विद्यालय एकटा जनकपुर में 2004 साल में जे स्थापित भेल छै, एकर 70 वर्ष से बेसी इतिहास भ गेल छै, आ ई अइ स्कूल के प्रोडक्ट सब जे छलिए से अइ देश के प्रमुख व्यक्ति सब बनल छै, अपने के राजनीतिक कर्मी सब एहन एहन छै जे मान लिअ मंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक भीसी तक अपने के बनल छै, बहुत अखिनता देश विदेश में भी एकर प्रोडक्ट सब गेल छै, तऽ अइ स्कूल के अखिनता के अवस्था में जे देख रहल छियै जे एना कारण कैला भेलै, तऽ वास्तव में जे हम जे देख रहल छियै ग्राउंड ई 3 वर्ष के अनुगमन के कारण, हमसब जितला 3 वर्ष भेल आ ओहि में जे किछ अनुगमन करे के जे मौका सब भेटल, तऽ वास्तव में अइय जे देखै छी अखिनता के अवस्था में तऽ सबसे बेसी अपने के जे राजनीतिक जे भ रहल छै ओहि राजनीति के एकटा मार अहू स्कूल में राजनीति, राजनीति के अर्थ होइ छै परिवर्तन, है ना, लेकिन एकर अर्थ ई नहि होइ छै जे बनायल संरचना के जाकर तोड़ दियौ, शिक्षा के ध्वस्त कर दियौ, यह राजनीति छै। देखल जाओ अखिनता के अवस्था में की छै, जे अइ स्कूल में सब प्रथम तऽ अहाँ अखिनता के अवस्था में देखबै तऽ भवन अपने के पूर्ण जीर्ण भ गेल छै, जेकरा कोनो राजनीतिक, सब राजनीतिक दल अपने के सरकार में गेल छै, लेकिन एकोटा राजनीतिक दल नहीं कहने छै या एकोटा एकर प्रोडक्ट सब नहीं कहने छै जे अइ में जाके ई किछ पैसा हम लगानी लगा दी, और अइ भवन सब जे जीर्ण बनल छै जाहिमे हम पढ़ने छी तै भवन के कम से कम रिपेयरो कर दी, सेहो अवस्था नहि छै। काल्हि तक के अवस्था जे दाता रहै ओहि दाता के बाद अखिनता तक के अवस्था में अहाँ देख रहल छियै जे उत्तर साइड से जे किछ बनल छै से ओ पूर्व राष्ट्रपति जी के देन छै, ओ अपने आयल रहै और देखलकै तऽ हुनको दयनीय बुझलै, तऽ किछ शिक्षा मंत्रालय से जे बजट आयलै ओहो बजट अपने के कार्यक्रम में भेलै। दात्री निकाय जे दाता रहै स्कूल बनल के, से दाता के वर्चस्व कही या हुनकर जे चिंतन छै ओहिके कारण से अवस्था चलल? नहि, तेहन बात अपने नहि कह सकै छी, दाता तऽ मान लिअ अले और बना देलकै, लेकिन व्यवस्थापन समिति जे होइ छै, जे व्यवस्थापन समिति जे सब दिन व्यवस्था करै छै, हमरा बुझा रहल अछि जे व्यवस्थापन समिति के भी किछु जे सक्रियता होबक चाही ओ सक्रियता नहि भेलै, कि जे हमरा ई अनुगमन के क्रम में देखा पड़ल, और जे हम राजनीतियों के बात जोड़ लिअ और किछु अपने के
टीचर सबके भी एहिमे हमरा जेना बुझा रहल है जे कमी कमजोरी छै, टीचर सबके कमी कमजोरी एकटा बात देना छै सर, जे सुधार तऽ ककरो नहि ककरो करब पड़तै शिक्षा के। यदि मधेश के ई शिक्षा के रोल मॉडल ई स्कूल ई छै जे मधेश के शिक्षा तराई के शिक्षा काल्हि हमसब ई दैत रहियै, ई भूमि सँ ई उत्पादन होइत रहै, ई देखाबै वाला जगह छलै। आइ अवस्था ई भऽ गेलै जे अहाँके शिक्षा तऽ धराशायी भेलै, ई इसकुलो धराशायी भऽ गेलै। निश्चित रूपसँ हम अपनेके जोड़ाला कैला चाहलियै जे अखनतो प्रदेश नम्बर दू के राजधानी अपनेके जनकपुर धाम छै, आओर जनकपुर धाममे जे हमर ई 9 नम्बर वार्ड छै ओकर सारा अपनेके मुख्यमंत्री कार्यालयसँ लऽ के जे मंत्री क्वार्टर आ मंत्रालय सब छै सब 9 नम्बर वार्डमे पड़ल छै। आओर हम बार बार अइके जे शिक्षा मंत्री जे छै सामाजिक विकास मंत्री हुनको जाके बार बार घचघचे जे कम से कम अपने सरस्वती हाई स्कूल एकटा नमूना के रूप में ये देखल गेल छे और एकर इतिहास 70 वर्ष से बेसी भ गेल छे, एकरो अपने किछ देखियो और दुदुबाजी अनुगमन कयने छे, कहने छे जे अइ स्कूल के लेल हम किछ ना किछ करब। अइ क्षेत्र के अपने के हम सब 4 नम्बर क्षेत्र में पड़े छे, अइ क्षेत्र के जे प्रदेश सभा सांसद छे अखिनता गृह मंत्री छे माननीय ज्ञानेन्द्र यादव जी, प्रदेश नम्बर 2 के अइ क्षेत्र के हमरा सब के धनसा जिला के 4 नम्बर क्षेत्र के प्रदेश सभा सांसद माननीय ज्ञानेन्द्र कुमार यादव गृह मंत्री छे और वही क्षेत्र के अंतर्गत ई स्कूल पड़े छे, लेकिन हुनको दुदुबाजी लाइव के हम सब देखने छे और कहने छे जे किछ न किछ अपने में बजट दियो, लेकिन अखन तक 3 वर्ष में हमरा नहीं बुझा रहल है सरस्वती हाई स्कूल में अपने के 200 रुपया के प्रदेश से काज भेली हुई अखिनता के अवस्था में। और रही गेले जनकपुर धाम उप महानगर पालिका जे वार्ड में अपने के अखन शुरू में 35 लाख 40 लाख 50 लाख के क्रम से दै छी, अत्ते टाके बड़का वार्ड में अपने के 50 लाख से की होते, ते दुआरे वा किछ कनी मनी अपने के 1 लाख 2 लाख के जे काज सब भेलिए जेना खाने पानी के बहुत असुविधा छलिए से सब हम नगरपालिका से करबेलिए। दोसर अपने के अखिनता तक अइ स्कूल के सबसे बड़का समस्या सर से हमरा बात भेल, सबसे बड़का समस्या कह रहल छै जे ठाम शौचालय नै छै, जे पुरनका जेना ने तेना शौचालय हमसब अहाँके चलाबि रहल छी, विद्यार्थी अहाँके 800 के हाराहारी में छै, शौचालय अवस्था में नहीं छै। एकटा सबसे जे सबसे बेसी आवश्यकता छै कोनो स्कूल के अगर पूर्वाधार विकास करबे तो अहाँके शौचालय तो चाही, ओ अवस्था नहीं छै अहाँ सब। और दोसर जगह जखन अहीं के नगरपालिका के जे बोर्ड छै ओ अहाँके विभिन्न स्कूल में आर्थिक सहयोग करै छै, तो ई किया नहीं ध्यान पड़े छी जे एते बड़का स्कूल में अहाँ की अवस्था भ रहल? अपने के हम कहने छलिए जोड़ने छलिए जे ई राजनीतिक कारण छै, और कैला अपने के हम ई बात जोड़ ला चाहलिए जे हम अपने के 9 नम्बर वार्ड से नेपाली कांग्रेस से विजयी भेल छी और अइय के मेयर अपने के राजपा से प्रचंड बहुमत लग के अपने के जीतल छै, सॉरी अखन मान ली राजपा से जीतल छलिए लेकिन अखन ओ जसपा भेल छै, तो ओहि के चलते अपने के राजनीतिक जे कहै छी ना हमरा अपने के ओ विपक्षी मानै छै जे ओहि वार्ड में हम किछ नहीं देबे, हुनका ई चीज बुझा पड़ले जे हम अइय के मेयर छी और मेयर कह के मतलब ओकरा पार्टी से उठ पड़ते, ऊ नहीं उठ पाबि रहल छै। तै के तहत अपने ओहो जनै छथिन जे जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के जे मेन सेंटर सरस्वती हाई स्कूल 70 वर्ष पुरान स्कूल अपने के हुनको पता छै, ओहो अइ स्कूल में अनुगमन दुदुबाजी करऽ आयल छै, लेकिन आइ तक में जे शिक्षा बजट हुनका चलबै छै बसैया में दै छै, ज्ञानकूप में दै छै या दोसर कनर पट्टी में दै छै, लेकिन संकट मोचन में दै छै, लेकिन जानकी हाई स्कूल और सरस्वती हाई स्कूल दूटा हमरा वार्ड में 9 नम्बर में छै आइ तक 1 रुपया अपने के विनियोजन अर्थात मतलब शिक्षा के धराशायी करय में या आर्थिक रूप से सबल नहीं हो, एकर एकटा कारण की छै कि एहिठाम अहाँ जीत गेलिए जे विपक्षी छलिए जैके कारण से अहाँ के ये दूटा पड़े दुनू के नहीं? निश्चित निश्चित दुनू स्कूल में हमरा सबके 1टा बजट अपने के जनकपुर धाम उप महानगर पालिका से शिक्षा संबंधी जे बजट अबै छै ओहिमे ई स्कूल दुनू पढ़ि नहीं रहल छै आइ 3 साल के दरमियान में।